नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज आप सबके लिए ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के लिए हिंदी के कुछ 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस 25 प्रश्न को अच्छे से रट लेते हैं, अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से इस वीडियो को देखकर समझ लेंगे, जो आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक होंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी के समान हिंदी के कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवित्री और कवियत्री। सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कवित्री, कवित्री आर द करेक्ट ऑप्शन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपका कवित्री हो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके ऑप्शन चार हैं, पहला शिशु, दूसरा भक्ति, तीसरा पुस्तक, चौथा प्राण, यानी इसका ऑप्शन होगा प्राण। प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है। इसका ऑप्शन है आय, व्यय, नहर, लहर। सो इसका ऑप्शन होगा व्यय, व्यय हमेशा व्यय शब्द जो है वो पुलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा, सो ये क्वेश्चन दो बार पूछ दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, आपको पता ही है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। यानी अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आएंगे, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्योष्टि, इच्छा, निराला। जो निराला जो आपका शब्द है दोस्तों, जो निराला शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, निराला जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिंग शब्द है, यानी सारस, सारस आपका पुलिंग शब्द है, सारस आपका पुलिंग शब्द है, सारस है आपका पुलिंग शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में पुलिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में पुलिंग शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन होगा सी, नकल आपका पुलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, निम्नलिखित शब्द में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। इसका भी ऑप्शन होगा कोयल, कोयल का आपका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों, ये UPPGT हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा जा चुका है, इसका भी ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये शब्दों निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, जो आपका पानी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, जो पानी शब्द है आपका स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर कारक के भेद आपके आठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये UPPGT हिंदी में 2004 में ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न, ये निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ये हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता है, पूर्वी हिंदी होता है, इसमें पूर्वी हिंदी का प्रमुख
भाषा में प्रमुख विशेषता होता है, हिंदी भाषा। इसमें क्वेश्चन क्या है, किस भाषा की प्रमुख विशेषता ने का प्रयोग न होना, किस भाषा की प्रमुख विशेषता, ये पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी आपका ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन चूंकि बार बार पूछा जा रहा है, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग हमें भी पता है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको विसिलिस्ट कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार का होता है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार का होता है, हिंदी भाषा में आपके वचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा में आपके वचन दो प्रकार के होते हैं, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग के दृष्टि से दही आपका पुलिंग है, लिंग के दृष्टि से आपका दही पुलिंग है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में आपका मृत्यु स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में आपका मृत्यु आपका स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में संज्ञा कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता में आपका भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है भाववाचक संज्ञा है। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है, बंधुता, मित्रता, शत्रुता, सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मित्र का मित्रता होता है, मित्र का मित्रता होता है। क्वेश्चन नंबर 21, शो क्या है, सो आपका प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या कोई नहीं है, इसका ऑप्शन होगा संबंधवाचक यानी सी, सी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखेंगे, संज्ञा से बने विश्लेषण में से कौन सा अशुद्ध है, संज्ञा में बने विश्लेषण में कौन सा अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन होगा धन, धनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, ये आपका होगा विस्मय यदि बोधक अव्यय इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। कौन सा स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, मित्र स्त्रीलिंग है, सूचना स्त्रीलिंग है, उपहार स्त्रीलिंग है, अध्याय स्त्रीलिंग है, इसमें आपका जो सूचना होगा ये आपका स्त्रीलिंग है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे, पुलिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दातिन, तेली तेलिन, सो इसका ऑप्शन होगा दाता दातिन जो है ये पुलिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये स्त्रीलिंग पुलिंग का सही जोड़ा नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये स्त्रीलिंग पुलिंग का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा सही लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ये जो बेल आइकन इसको आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं जिससे आप मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। धन्यवाद।